हरदोई जिले में कच्ची शराब बनाने का धंधा जमकर चल रहा है। बाराबंकी में हुई मौतों के बाद आखिर हरदोई का जिला आबकारी विभाग जाग गया और कच्ची शराब पर बड़ी छापेमारी की। आबकारी विभाग की तीन टीमों ने संयुक्त छापेमारी में 90 लीटर कच्ची शराब पकड़ी, वहीं 1200 लीटर लहर नष्ट किया और दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि हरदोई में कच्ची जहरीली घरों में बनने वाली शराब का कुटीर उद्योग जोरों पर है। कुटीर उद्योग बन चुका शराब के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए आबकारी महकमा तब जागता है जब कहीं कोई घटना हो जाती है। ऐसे में ही बाराबंकी और सीतापुर में हुई मौतों के बाद जाके आबकारी विभाग के तीन टीमों ने मिलकर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव कौढ़ा और पिहानी थाना क्षेत्र के गांव मंसूर नगर और थाना मझिला क्षेत्र के मरघटिया गांव में दबिश दी और 90 लीटर बनी हुई शराब बरामद की और करीब 1200 लीटर लहन को आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। तीन जगहों पर दबी दी गई, जिसमें ग्राम कौढ़ा सदर कोतवाली, मंसूर नगर थाना पिहानी और मरघटिया थाना मझिला में दबिश दी गई, जिसमें 90 लीटर शराब बरामद की गई और लगभग 1200 लीटर लहन नष्ट की गई और 7 अभियोग पंजीकृत किए गए, 2 को गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई आगे तक जारी है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।